एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। परफेक्टली बॉयल एग्स। अगर अंडे अच्छे से बॉयल हुए हों तो उन्हें खाने में बहुत मजा आता है, और अगर आप बॉयल एग की सब्जी भी बना रहे हैं तो भी हमें चाहिए होता है परफेक्टली कुक्ड एग्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परफेक्टली एग बॉयल करना। तो परफेक्ट बॉयल करना है तो सबसे पहले अंडों को रूम टेम्परेचर पे लाना होगा। अगर आपने अंडों को रेफ्रिजरेट करके रखा है तो उन्हें कुछ देर पहले निकाल दीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और इसके बाद एक पैन में पानी लेकर उस पर धीरे धीरे इन अंडों को डाल दीजिए। पानी भी आपका रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, गर्म पानी या ठंडा पानी नहीं चाहिए। अंडे एक वीक तक के पुराने हों तो वो सबसे अच्छे से बॉयल होते हैं। और अंडों को जब आप पानी में डालेंगे तो अंडे अगर अच्छे हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे, और बहुत पुराने अंडे हैं तो वो ऊपर में फ्लोट करने लगेंगे। तो ऐसे अंडों को आप बॉयल मत कीजिए। अब थोड़ा सा हम पानी और टॉप अप कर देते हैं ताकि अंडे पूरी तरह से पानी में डूबे रहें। और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक डालने से शेल निकालने में हमें बहुत आसानी होती है। तो अब हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे और इसे हम 8 से 10 मिनट तक बॉईल करेंगे। अगर अंडे कुछ बड़े साइज़ के हैं तो हमें 10 मिनट तक बॉईल करना है, और अगर अंडे कुछ छोटे साइज़ के हैं तो हमें 8 मिनट बॉईल करना है। ध्यान रखिएगा कि अंडों को बॉईल करते समय कभी भी कवर नहीं करना है। कवर करने से अंदर थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और अंडे टूट जाते हैं। तो इसे हमेशा ओपन में ही बॉईल कीजिए। तो अब करीब 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे अंडे थोड़े बड़े साइज़ के थे इसलिए हमने 10 मिनट बॉईल किया। तो अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देते हैं और अंडों को इस गर्म पानी में हम 2 से 3 मिनट और रहने देंगे। अभी आप चाहें तो इसे कवर करके भी रख सकते हैं या आप इसे खुला भी रख सकते हैं। दो से तीन मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे और इन अंडों को इस गर्म पानी से निकाल के इस ठंडे पानी में डाल देंगे। इससे अगर कहीं ओवर कुकिंग भी हो रही होगी तो वो प्रोसेस बंद हो जाएगी और हमें भी अंडों को हैंडल करने में सहूलियत होगी। तो इस ठंडे पानी में हम अंडों को 1 से 2 मिनट रहने देंगे। और उसके बाद टैप करके हम इसका छिलका निकाल लेंगे। अगर अंडे ओवर कुक हो जाए तो इसमें जो येलो योक है उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की लाइनिंग सी दिखने लगती है और इसका टेस्ट भी थोड़ा बिगड़ जाता है। तो अंडों को एकदम परफेक्ट कुक करना है। तो ये देखिए हमारे एकदम परफेक्टली बॉइल्ड एग्स। एकदम फ्रेश अंडों को भी शेल निकालने में हमें परेशानी होती है, और काफ़ी पुराने अंडों का भी शेल निकालने में परेशानी होती है। देखिए बहुत अच्छे से हम इसका शेल निकाल पाए और ये है हमारे परफेक्टली बॉइल्ड एग्स। होगी फिर मुलाकात एक और नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।